अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना मुख्तार और आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स शामिल हैं। अनदर आउटपुट डिवाइस इज़ द प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रोड्यूस करने के काम आती है, और ऐसे इमेजेस जो कि बेसिकली आपके ग्राफ्स की फॉर्म में हो, मैप्स की फॉर्म में हो, या बड़े चार्ट्स की फॉर्म में हो। और मोस्टली हम प्लॉटर्स को उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने बहुत प्रिसिजन के साथ अपने इमेजेस को जनरेट करना हो, या कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन हो जो कि हमने प्रिंट करना हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, जिसको हम फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर्स कहते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर्स में जो बेसिक फ़र्क है वो एक तो ये कि फ्लैट बेड की जो लेंथ होती है दैट इज़ लिमिटेड, जबकि ड्रम के ऊपर आप जितना चाहे बड़ा इमेज जनरेट कर सकते हैं। जिसका नाम से जाहिर है, फ्लैट बेड प्लॉटर जो है उसकी सरफेस जो है वो एक फ्लैट बेड की तरह होती है, एंड देन यू कैन पास द पेपर एंड प्रिंट द इमेज। जबकि ड्रम जो है वो एक रोलर ड्रम होता है जिसके ऊपर आप पेपर को चढ़ा देते हैं एंड कीप्स ऑन रोलिंग ड्यूरिंग प्रिंटिंग, और आप किसी भी लेंथ का पेपर जो है वो उसके ऊपर प्रिंटिंग पॉसिबल है। पेन के हवाले से बात करें, जिस तरह प्लॉटर्स का हमें पता है कि पेन एक मैकेनिकल आर्म होता है, उसके अंदर एक पेन होता है, और पेन की मदद से वो अपनी प्लॉटिंग यानी इमेज, जो भी आपने उसको इमेज दिया है वो उसको प्लॉट कर सकता है। अभी जो पेन है ये कहाँ माउंट होता है? लास्ट टाइम आपने जो फिगर में देखा, इसमें आप देख सकते हैं कि पेन आपको नज़र आ रहा है अलग से। दिस इज़ काइंड ऑफ अ फ्लैट बेड प्लॉटर। वन और मोर पेन्स इस्तेमाल कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा या एक पेन का इस्तेमाल हो सकता है आपकी प्रिंटिंग में। जबकि सेम इज़ द केस विद दी ड्रम प्लॉटर, वो भी एक या एक से ज़्यादा पेन का इस्तेमाल कर सकता है फॉर क्रिएटिंग लार्जर इमेजेस। मूवमेंट ऑफ द पेन इन द फ्लैट बेड प्लॉटर डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, यानी जिस तरह सॉफ्टवेयर आपको इंस्ट्रक्शन देता है उस तरह आपका पेन मूव करता रहता है। जबकि अगर हम ड्रम प्लॉटर्स की बात करें तो ड्रम प्लॉटर पे जो पेन की मूवमेंट है इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ड्रम एंड द सिलेंडर इट इज़ माउंटेड ऑन। नाउ कम्स दी स्पेशल फंक्शन टर्मिनल्स। टर्मिनल की बात करें तो अगर नेटवर्क के हवाले से टर्मिनल को देखें तो कोई ऐसी डिवाइस जो कि एंड यूज़र के पास मौजूद हो और वो इनपुट और आउटपुट के लिए काम आ सके, एंड इट कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद द नेटवर्क। स्पेशल फंक्शन टर्मिनल्स में यहाँ हमारे पास दो डिवाइसेस मौजूद हैं जिसको हम ATM यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एंड अदर इज़ दी POS जिसको पॉइंट ऑफ स्केल कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस बोथ। ATM यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स एक ऐसी अनअटेंडेड डिवाइस होती है जिसको मॉनिटर या कंट्रोल करने के लिए फिज़िकली कोई आदमी या इंसान प्रेजेंट नहीं होता। आप जाते हैं और आप इजीली अपनी कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन करनी हो तो उसे कर सकते हैं। इट्स बेसिकली डिज़ाइंड टू इंटरैक्ट विद दी बैंक सर्विसेज और द नेटवर्क एंड अवेल ऑल द फैसिलिटीज़ प्रेजेंट। यानी आपने कैश विड्रॉ करना है, आपने डिपॉजिट करना है, आपने बिल ट्रांसफ़र करना है, या आपने अपना जो कोई भी अमाउंट है अपने किसी रिश्तेदार को भेजना है, तो यू कैन डू इट विद दी ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन से बहुत आसानी से हो सकता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन के अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद होता है जो कि आपकी कार्ड के क्रेडेंशियल्स को ना सिर्फ रीड करता है बल्कि उसमें मौजूद जो आपकी अमाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन में भी मदद करता है। अनदर डिवाइस ऑफ स्पेशल फंक्शन टर्मिनल इज़ दी POS जिसको पॉइंट ऑफ स्केल कहा जाता है। पॉइंट ऑफ स्केल एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको मोस्टली कैश काउंटर्स पे विद इन द ग्रॉसरी स्टोर्स या फिर जो फूड आउटलेट्स हैं उन पे नज़र आएगी। POS के अंदर एक डेटाबेस मौजूद होता है जिसमें तमाम जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं फॉर एग्जांपल, या जितने भी आइटम्स आपके स्टोर में मौजूद हैं उन तमाम की जो प्राइसेस हैं वो पहले से उस डेटाबेस में फीडेड होती हैं, एंड व्हेनेवर यू एंटर द सर्टन आइटम तो वो आपको उसकी प्राइस सिखा देता है, एंड इट कैन जनरेट योर फूड रिसीप्ट्स और योर ग्रॉसरी रिसीप्ट्स जो भी आप अपने स्टोर से बाय कर सकते हैं। POS ने इंसान का काम थोड़ा आसान बना दिया है, यानी वो कैश काउंटिंग जो कि इंसान अपने हाथ से करता था अब वो POS के ज़रिए बहुत ईजिली पॉसिबल है। नाउ कम्स दी प्रोजेक्टर।
प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके जो लैपटॉप्स के ऊपर या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसको बड़ी स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर सके, दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर के हवाले से बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स जो कि मार्केट में मोस्टली अवेलेबल हैं, DLP प्रोजेक्टर्स एंड दी LCD प्रोजेक्टर्स। DLP प्रोजेक्टर्स आर लाइट इन वेट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड दी पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स। दे कम विद द रिड्यूस्ड पिक्सल टेक्नोलॉजी और इसीलिए जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यूजेज के हवाले से बात करें तो घरों के लिए मोस्टली यूज़ होता है, जबकि ऑफिसेस या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इट हैज़ लेस पार्ट्स एंड इट इज़ ईजी टू मेनटेन। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्टर इज़ दी LCD प्रोजेक्टर, जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर्स भी कहा जा सकता है। LCD प्रोजेक्टर्स के हवाले से बात करें तो दे आर मच मच बेटर इन पिक्चर क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू द DLP प्रोजेक्टर्स। अगर हम इमेज की शार्पनेस को देखें तो LCD प्रोजेक्टर्स प्रोड्यूस मोर शार्पर इमेजेस एज़ कम्पेयर टू द DLP प्रोजेक्टर। कॉस्ट के हवाले से देखें तो LCD प्रोजेक्टर्स और DLP प्रोजेक्टर्स समहाउ सेम कैटेगरी में लाए करते हैं, बट विद क्वालिटी को देखा जाए तो LCD प्रोजेक्टर्स आर मच बेटर बिकॉज दे प्रोड्यूस ब्राइटर इमेजेस एज़ कम्पेयर टू द DLP प्रोजेक्टर। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आउटपुट डिवाइस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स सिस्टम जो कि ह्यूमन स्पीच को समझ के और उसके अकॉर्डिंगली वॉइस की सूरत में आउटपुट कर सके। यहाँ दो टाइप्स हम देखेंगे, वन इज़ द वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड अदर इज़ द स्पीच सिंथेसाइजर। वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम के हवाले से बात करें तो एक ऐसा डेटा बेस जिसमें प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस जो हैं वो एम्बेड होती हैं, यानी जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा एग्जांपल दिया आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर हाई कोटाना सॉफ्टवेयर की, जो कि कंप्यूटर में मौजूद है और वो आपके डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। अगर हम ATM मशीन्स की बात करें तो उसमें जो वॉइस मौजूद है दैट इज़ ऑल्सो अ प्री रिकॉर्डेड वॉइस और इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम। जो हमारी आंसरिंग मशीन मौजूद है फ़ोन के अंदर, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम। इसके बाद अगर हम चिल्ड्रन टॉकिंग टॉयस को देखें या डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखें जो कि आपकी वॉइस को अपने अंदाज में रेप्लिकेट करती हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम। द लास्ट डिवाइस इज़ द स्पीच सिंथेसाइजर, यानी एक ऐसी डिवाइस जो कि जिसको हम टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी इनपुट देते हैं एंड इट कन्वर्ट्स दैट टेक्स्ट इनटू द स्पीच। और ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है जो कि पैरालाइज हो एंड समहाउ किसी वजह की वजह से वो मूव नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ टाइप कर सकते हैं एंड दैट मैसेज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पीच एंड कैन बी ट्रांसफर्ड नॉट to the other people but to the other devices as well। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसमें हमने डिस्कस किया मॉनिटर्स को, प्रिंटर्स को, प्रोजेक्टर्स को, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स को और स्पेशल टर्मिनल्स को। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड एज वेल। थैंक यू एंड सी यू लेटर।